देश के साथ ही उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में अक्सर किसी बड़े नेता को अपनी पार्टी से नाराज होकर दूसरी पार्टी का दामन थामते देखा गया है। फिलहाल इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा से निष्कासित इमरान मसूद को लेकर चर्चाएं गर्म है। हाल ही में अनुशासनहीनता को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने इमरान मसूद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, जिसके बाद अब इमरान मसूद के राष्ट्रीय लोकदल से हाथ मिलाए जाने की आशंका जताई जा रही है। इमरान मसूद ने अपने आगे की प्लान की ओर इशारा किया। इमरान मसूद का कहना है कि वह राष्ट्रीय लोकदल के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे चौधरी अजीत सिंह को अपने पिता की तरह मानते हैं। इसके साथ ही इमरान ने कहा कि जयंत चौधरी उनके बड़े भाई जैसे हैं। आरएलडी ज्वाइन करे या नहीं करे, लेकिन जयंत के साथ उनके रिश्ते हमेशा पहले जैसे ही रहेंगे। देश के साथ ही उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में अक्सर किसी बड़े नेता को अपनी पार्टी से नाराज होकर दूसरी पार्टी का दामन थामते देखा गया है। फिलहाल इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा से निष्कासित इमरान मसूद को लेकर चर्चाएं गर्म है। हाल ही में अनुशासनहीनता को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने इमरान मसूद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, जिसके बाद अब इमरान मसूद के राष्ट्रीय लोकदल से हाथ मिलाए जाने की आशंका जताई जा रही है। इमरान मसूद ने अपने आगे की प्लान की ओर इशारा किया। इमरान मसूद का कहना है कि वह राष्ट्रीय लोकदल के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे चौधरी अजीत सिंह को अपने पिता की तरह मानते हैं। इसके साथ ही इमरान ने कहा कि जयंत चौधरी उनके बड़े भाई जैसे हैं। आरएलडी ज्वाइन करे या नहीं करे, लेकिन जयंत के साथ उनके रिश्ते हमेशा पहले जैसे ही रहेंगे।